नमस्कार दोस्तों, मैं सुजय कुमार और आपके अपने चैनल सुजय फैंटेसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आज का दिन का पहला मुकाबला जो कि आयरलैंड इंटर प्रोविंशियल ODD के मैच के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि NWW और MUR के बीच में खेला जाना है। इंपॉर्टेंट मैच है, बिल्कुल भी इस मैच को मिस नहीं करोगे आप, ठीक है। एक एक चीज़ बारीकी से समझ के चलोगे कि किस प्लेयर को आपको कैसे रोटेट करके चलना चाहिए और क्यों चलना चाहिए, क्यों आपकी टीम में लेना उस प्लेयर को फिक्स है, और मैं यहाँ पर आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखने का चलना चाहिए। कौन कौन से वीडियो मेरे पहले से ही चैनल पे अपलोडेड हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक तो मैंने फर्स्ट वीडियो नामीबिया और USA के बीच में अपलोडेड कर रखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को जाकर के चेकआउट कर लेना। उसके बाद बायजू झारखंड T20 का अगर आपको मैच का टीम चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमारे बताओ, और फिर मैं आपको इंस्टा के स्टेटस में टीम वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो वगैरह कर सकते हो, जो कि इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है। और जो दूसरा वीडियो मैंने अपलोडेड कर रखा है ना, इसका भी टीम आएगा लेकिन इंस्टाग्राम पे आएगा। देखो, जिसका मैं वीडियो नहीं देता हूँ आपको, उसका मैं इंस्टाग्राम के स्टेटस में टीम दे ही देता हूँ, तो आप जाकर के चेकआउट कर लेना वहाँ पे। उसके बाद मैं बात करूँ तो इंग्लैंड या इंडिया का टेस्ट का जो वीडियो है वो मैंने पहले से ही अपलोडेड कर रखा था। दूसरा वीडियो ये होने वाला है, तीसरा वीडियो आपके लिए जो मैं अभी मैं बना रहा हूँ, और चौथा वीडियो जो होने वाला है ना वो नामीबिया और जर्सी के बीच में, और पाँचवा वीडियो होने वाला है आयरलैंड वुमेन्स T20 का। तो ये सारा कल का शेड्यूल है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कि किस प्लेयर को आपको कैसे रोटेट करके चलना चाहिए और कौन से मेरे हमारे चैनल पे वीडियो वगैरह आने वाले हैं। तो यहाँ से मैं आपको ये इस मैच के पहले बारे में डिटेल से बता दूं कि NWW और MUR का पहले हम लोग स्टैट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर आकर के हम लोग ड्रिलन पे टीम वगैरह क्रिएट करेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और एक एक चीज़ आप लोग ढंग से समझ के चल लो, ठीक है। तो पहले चलते हैं हम लोग स्टैट्स के ऊपर, और उसके बाद फिर आकर के ड्रिलन पे टीम वगैरह क्रिएट करेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स की टीम के बारे में हम लोग डिस्कस से यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखो, ODD का इनका परफॉर्मेंस मैंने लिख रखा है, पिछले साल का, ये साल का T20 का मुकाबला, और पिछले साल का भी कुछ है, और यहाँ पर 2022 का T20 का मुकाबला। तो ये T20 मैच है, सॉरी ODD का मैच है, तो हम लोग ODD पे फोकस करके चलेंगे, ठीक है। तो इनके जो ODD के सारे परफॉर्मेंस है ना, उन सारे स्टैट्स वगैरह को हम लोग डिटेल से देखेंगे, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किस प्लेयर को हम लोग को रोटेट करना चाहिए या फिर नहीं रोटेट करना चाहिए। और इनकी टीम हारी है या जीती है, देखो हारी है, जीती है, हारी है, फिर जीती है। तो ये थोड़ा आपको समझ के चलना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर आपके लिए कब, और इनकी टीम भी तो ठीक ठाक मुझे लगी है, बाकी ये सारे प्लेयर आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है कि इस मैच को अगर आपको विन करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक। जल्दी से जाकर के आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्टार्ट्स पे। विलियम पोर्टरफील्ड है, 2022 का इनका अगर रिकॉर्ड देखोगे ना, तो 2 बार 0 पे ये बंदा आउट हो चुका है, उससे पहले 13, उससे पहले 73, उससे पहले 33 और 110 और 44 का पारी खेल रखा है। तो सिर्फ 110 का पारी आया है और 73 का पारी आया है, ठीक है। तो अगर आपके टीम में जगह बन पाता है और आप रिस्क टेकर हो तो एट योर ऑन रिस्क भाई, आप अपनी टीम में लेकर के इनको चल सकते हो, वरना ज़्यादा मैं हाईली रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। स्टीफन डोहिनी के बारे में बात करें विकेट कीपिंग से, तो 97 का पारी है, उससे पहले 18, 2, 5, 11, 28, 29, तो सिर्फ एक मैचेज के बेसिस पे तो हम लोग ट्राई नहीं करने वाले अपनी टीम में, तो थोड़ा देख के चलना। MC ब्रेन कैप्टन है इस टीम के भाई साहब, और ODD के इनका परफॉर्मेंस देखोगे ना तो बहुत लाजवाब है, कैप्टन की सूची में बहुत अच्छा खासा है, इस टीम का भी कैप्टन है, और मेरे जो ड्रिमलन का टीम होगा उसका भी शायद यही कैप्टन होने वाला है, जो कि 107 रन प्लस 0 विकेट है। देखो, हम लोग सिर्फ ODD के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ODD का मैच है, तो ODD पे हम लोग फोकस करेंगे 50 ओवर वाले पे। और T20 का भी मैंने यहाँ पर स्टैट्स लिख रखा है, और इस साल का भी जो T20 का मैच इन्होंने खेल रखा है उसका भी मैंने यहाँ पर स्टैट्स लिख रखा है, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। वैसे हम लोग सिर्फ वनडे पे फोकस करके चलते हैं। इसमें देखोगे तो बंदा 10 ओवर का कंप्लीट बॉलिंग भी डाल रहा है, बैटिंग भी अच्छा कर रहा है, तो आप बिल्कुल भी इनको ड्रॉप मत ही करना अपने टीम से भाई। सैन क्रिकेट के बारे में बात करें तो मुझे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं लगा है, 47 का सिर्फ एक मैच में रिकॉर्ड है, बाकी कुछ खास नहीं है, तो आप इनको ग्रैंडली में फोकस करोगे, ठीक है। बाकी यहाँ से नीचे वाला स्टैट चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। ग्राहम कैनेडी के बारे में बात करें तो यहाँ से देखो इनका ODD का परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत तगड़ा वाला इनका स्टैट्स है, और 3 रन 0 विकेट, 1 विकेट, 52 रन, 7 रन, 2 रन, 2 विकेट, 64 रन, 1 विकेट, तो बिल्कुल भी आप इनको ड्रॉप करने का बात ही नहीं बनता भाई, कि आपने टीम में से ड्रॉप कर दो आप इनको, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता हुआ दिख सकता है, हर मैच में विकेट निकाल रहा है, तो अगर आपकी टीम में जगह बन पाता है तो रोटेट करना, वरना बिल्कुल भी जगह बात नहीं बनती है। ग्राहम ह्यूम आपके टीम में होने चाहिए कन्फर्म पिक, 2 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, और आपको हर मैच में विकेट निकाल रहा है, तो बिल्कुल भी ड्रॉप मत ही करना आप। जेरेड विल्सन खेलेगा भी तो ग्रैंडी में फोकस करो। कॉनर ऑल्फर्ट खेलेगा तो यहाँ देखो 3 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट, 1 विकेट, तो देख के चलना, टीम में जगह बन पाएगा तो ही रोटेट करना, वैसे आपको कर ही लेना चाहिए, पहले बॉलिंग करेगा तो बिल्कुल रोटेट करके चलोगे अपनी टीम में, और खेलता है तो ठीक है। रियान मैकबेथ खेलेगा तो देखो यहाँ से देखो 3 विकेट, यहाँ से देखो 2 विकेट और यहाँ से देखो 0 विकेट, तो ये भाई साहब ये भी आपके लिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया जा रहा है वनडे में,
तो ये थोड़ा देख के चलना। स्कॉट मैकबेथ कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है तो ग्रैंडली में पोस्ट करना। तो बाकी यहाँ से बेंच के प्लेयर हैं, इनमें से अगर कोई खेलता है तो विद स्टैट्स में आपको टेलीग्राम पर तो बता ही दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से बात हो गई नॉर्थ वेस्ट वेरियर के बारे में। अब हम लोग मुनस्टर रेड्स के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल करके जुड़ जाना। सॉरी बोलते बोलते थक जाता हूँ यार। और यहाँ देखोगे तो मुनस्टर रेड्स यहाँ से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टीम रहने वाली है। बल्कि लास्ट के जो बीच में चार मैच इन्होंने हार रखे हैं उसके बाद कंटिन्यूसली इन्होंने अच्छे खासा ढंग से विन भी कर रखा है। ये सारे प्लेयर आपको विथ बैटिंग ऑर्डर खेलते हुए दिख जाएंगे। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना भाई, इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। और चाहो तो आप इंस्टा पर भी जाकर मुझे फॉलो वगैरह कर सकते हो, बिकॉज अगर आपको उस जो अदर मैचेज हैं जिसका मैं वीडियो कवर नहीं करता हूँ उसका टीम वगैरह मैं आपको इंस्टाग्राम पर देने वाला हूँ। केविन ओब्रायन के बारे में बात करें तो देखो ODD में इनका 39 रन है, 4 रन, 66 रन, 9 रन, मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको करता हुआ ये बंदा दिखने वाला है। तो देख के चलोगे आपके टीम में जगह बन पाएगा तो ही रोटेट करना, वरना कोई बात नहीं बनता है। पीटर मूर के बारे में बात करें तो यहाँ देखो 5 रन, 0, 23, 4, 0, 152, 48, 7, 3। तो देख के चलना, मुझे तो कुछ खास लगा नहीं है तो मैं ग्रैंड लीग में फोकस करने के लिए आपको बोलूँगा। केविन ओब्रायन अगर खेलता भी है तो आप ग्रैंड लीग में ही फोकस करो, ज़्यादा हाईली रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। मैट फॉर्ड अगर इनके बारे में बात करें तो इनका खेलने का चांसेस ही कम है, अगर खेलेगा भी तो ग्रैंड लीग में ही फोकस करना है। टायरोन क्रेन केन के बारे में बात करें तो देखो कैप्टन है इस टीम का, अच्छा खासा ये बंदा परफॉर्मेंस करता हुआ आपको हर मैच में दिख जाता है। 24 रन 2 विकेट है, 9 रन 2 विकेट है, 24 रन 2 विकेट है, 27 रन 0 विकेट है, 3 रन 2 विकेट है, 23 रन 1 विकेट है, 4 विकेट 78 रन। तो मतलब हर मैच में आपको बंदा परफॉर्मेंस करता हुआ दिख जाएगा और कैप्टन है तो कभी भी बैटिंग को अपने प्रमोट कर देता है और अपने टीम में इनको रोटेट करके चल लोगे। उसके बाद मैं बात करूँ तो फियोन हैंड देख लो इनका रिकॉर्ड, तो इनका भी ठीक ठाक मुझे स्टैट्स लगा है, 30-22 एक विकेट। तो देख के चलना अपने टीम में रोटेट करके चल सकते हो। बाकी यहाँ से कोई खेलेगा भी तो आप ग्रैंडली में ही फोकस करोगे। बाकी रिसेंटली मैंने यहाँ पर सारे हर मैच का इनका एनालिसिस किया है और बहुत सारे स्टैट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे है, वही बहुत सारा मेहनत लगता है भाई, तो आप बिल्कुल सपोर्ट वगैरह किया करो। माइकल फ्रॉस्ट के बारे में बात करें तो ये भी विकेट टेकर बॉलर है, 5 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, तो हर मैच में ये भी बंदा विकेट निकाल रखा है। इसे भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, अपने टीम में रोटेट करके चल सकते हो। कर्टिस कैंपर के बारे में बात करें तो यहाँ देखो 34 रन 1 विकेट है, 3 विकेट, 2 विकेट, तो ये भी आपके लिए बेस्ट बेस्ट पिक है भाई, बिल्कुल भी ड्रॉप आप नहीं करोगे, अपने टीम में रोटेट करके चल सकते हो। उसके बाद एक गैरेथ डैनली के बारे में बात करें तो यहाँ देखो 30-63 और 0-14 रन 1 विकेट, तो मतलब ये भी ठीक ठाक खेल ही रहा है भाई, तो आप टीम में फोकस कर सकते हो इसके ऊपर। डेविड डेलनी देखो इतने सारे प्लेयर खेलेंगे नहीं, मैं जितने भी इनके टीम में प्लेयर हैं सारे के बारे में मैं डिटेल से बता दे रहा हूँ, कोई भी खेलेगा तो आप समझ के चल लेना कि किस प्लेयर को आपको रोटेट कर लेना है किस प्लेयर को नहीं। उसके बाद लियाम मैं करती खेलेगा तो ग्रैंडिंग में ही फोकस करोगे, स्मॉल लीग के तो मैं ज़्यादा हाई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। बाकी यहाँ से सारे बेंच के प्लेयर हैं, इनमें से अगर कोई खेलता है तो विद स्टैट्स मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से बात हो गया एनालिसिस वाला पार्ट, अब हम लोग जल्दी चलते हैं डिलन टीम के ऊपर, वहाँ चलकर डिलन का टीम क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग की टीम क्रिएट करेंगे, किस प्लेयर को लेना है किसे ड्रॉप करना है। यहाँ से देखो तो पीटर मूर तो मुझे तो कुछ खास प्लेयर लगा ही नहीं है बिकॉज इसका परफॉर्मेंस ही कुछ खास नहीं है, तो मैं यहाँ से स्टीफन डोइनी के साथ ज़्यादा जाना प्रेफर करने वाला हूँ। बैटिंग सेशन पर आते हैं तो केविन ओब्रायन को भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, पॉटरफील्ड खेलेगा या नहीं खेलेगा थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है। यहाँ से आपको किसी को रोटेट करना है ना, तो यहाँ से तो कोई बैटिंग सेशन पे मुझे कोई खास प्लेयर लग ही नहीं रहा भाई कि किसी को मैं रोटेट करूँ। तो यहाँ से फर्स्ट पिक आपके लिए मैट फोर्ड, विलियम पॉटरफील्ड, केविन ओब्रायन आप रोटेट कर लो बिकॉज दूसरा कोई चॉइसेस ही नहीं है। मैं तो यहाँ से चाहूँ तो बैटिंग सेशन पे कोई भी प्लेयर मुझे एक मैट फोर्ड के अलावा कोई खास प्लेयर नहीं लग रहा है। ऑलराउंडर सेक्शन पे आते हैं तो NDM से बिन आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक, कर्टिस कैंपर इंपॉर्टेंट पिक, ग्राहम ह्यूम इंपॉर्टेंट पिक, गैरेट डेनली इंपॉर्टेंट पिक। आप चाहो तो फियोन हैंड को अगर जहाँ किसी अदर ऐप पे खेल रहे हो जहाँ पर बैटिंग सेशन पे सिर्फ एक प्लेयर को लेना है तो आप यहाँ से मैटफोर्ड को ले लेना और बाकी यहाँ से आप फियोन हैंड को ले लेना अपनी टीम में, ठीक है भाई। तो ये आपके लिए ठीक ठाक चॉइस में रह सकते हैं। बॉलिंग सेशन में बात करें तो माइकल फ्रॉस्ट, टायरन केन, ग्राहम केनेडी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिक। बाकी यहाँ से कोई खेलेगा भी तो आप ग्रैंड लीग में फोकस करो। यहाँ से डेविड डेनली, रियान मैकबेथ और कॉनर एलफोर्ड तीनों इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई, तो थोड़ा देख के चलना इनके ऊपर, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन अगर मैं बात करूँ तो कैप्टन तो मेरे NDM से ब्रायन ही रहने वाले हैं और वाइस कैप्टन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए TKN रहने वाले हैं वाइस कैप्टन। बाकी मैं कुछ भी चेंज करूँगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं बिल्कुल चेंज करता हुआ तो जरूर दिखने वाला हूँ बिकॉज टॉस अपडेट के बाद मेरा टीम इधर उधर होता है भाई। तो जल्दी से जा करके जुड़ जाना हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जल्दी तो जा करके जुड़ जाना। तो चलो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपने ख्याल के दोस्तों, जय हिंद।